आगे आगे भले ही गुलाबी ठंड शुरू हो चुकी हो लेकिन आज वाराणसी में पारा कुछ चढ़ा हुआ है। इस पारे के चढ़ने की वजह है दो बड़ी शख्सियतों की वाराणसी में मौजूदगी। एक तरफ जहां कल शाम संघ प्रमुख मोहन भागवत वाराणसी में आ चुके हैं और अपने जो पूर्वोत्तर भारत के 250 प्रचारक हैं उनकी पाठशाला लगा रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र को लगभग 2500 करोड़ रुपए की सौगात देने अब से कुछ देर बाद वाराणसी पहुंचने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संघ प्रमुख का कार्यक्रम हो रहा है वो वाजिदपुर में प्रधानमंत्री की जनसभा स्थल से महज 200 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर संघ प्रमुख का कार्यक्रम चल रहा है, अंदर कल शाम से जो सत्र है उसकी शुरुआत हो चुकी है। संघ प्रमुख राम मंदिर, तीन तलाक और जो सवर्ण समाज का जो आरक्षण की बात है उसको लेके जो नाराजगी है उसे किस तरह से दूर किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चिंतन मनन किया जा रहा है। अपने जो प्रचारक हैं उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। फिलहाल यह अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश की दो बड़ी शख्सियत जिसमें संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं दोनों मौजूद हैं और दोनों की मौजूदगी वाराणसी में 2019 लोकसभा चुनाव से पहले काफ़ी अहम मानी जा रही है। संघ प्रमुख का अभी जो पाठशाला है वो लगातार जारी है और प्रधानमंत्री का आगमन बस कुछ देर में होने वाला है। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।